भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी तुखल साहू आज दोपहर मां महामाया मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने महामाया चौक पर उनका अतिथि स्वागत किया और महामाया चौक से कार्यकर्ताओं के साथ गाजे बाजे के साथ महामाया मंदिर पहुंचे, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां महामाया का आशीर्वाद लिया और अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। महामाया मंदिर दर्शन करने के बाद महामाया धर्मशाला में आयोजित रतनपुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए मोदी की गारंटी की गुणगान की और कहा कि इस बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार नारे के साथ सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव के कार्यों में तन मन धन से जुट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता अपने कार्यों में जुट जाएं और एक एक कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी समझकर कार्य करें और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट पर कमल खिलाकर मोदी की झोली में डालने का काम करें। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। आज रतनपुर में माता महामाया से आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ में हैं। हम सब लोग माता जी के चरणों में शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद लिए हैं। बिलासपुर लोकसभा में कमल खिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, जनता उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और भारी बहुमत से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। क्षेत्र के लिए क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? क्षेत्र के लिए जो भी लोगों की आकांक्षा होगा, जो भी अपेक्षा होगा, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी सुविधाओं में विस्तार हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे।